हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप मैकबुक M1 चिप में OS करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से पावर बटन होगा, उसको पहले क्लिक करना है। अपने पेनड्राइव आपने बूटेबल तैयार कर ली है तो उसके बाद आपने पेनड्राइव लगा के अपना पावर बटन को पुश करके रखना है। थोड़ी देर पुश करने के बाद आपने उसको छोड़ देना है। देखें मैंने कितनी देर पुश किया है, और पुश करने के बाद जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो ये देखिए इसमें थोड़ा समय लेगा। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है। आप पहले जैसे आप कमांड या कमांड आर दबा के ऑप्शन आ जाती थी, अब ऐसे नहीं आ रही है। इसमें अभी इसको पावर बटन दब के ही ऑप्शन आ रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वीडियो देखने की, इसलिए आप पहले ही कंटिन्यू देख लें वीडियो। अभी यहाँ से जैसे कंटिन्यू की ऑप्शन आ रही है इंस्टॉलेशन की, हम कंटिन्यू कर देना है हमने। जी देखिए आपका जो हार्ड ड्राइव का फॉर्मेट का जहाँ से ना कहीं से आपको मिलेगा नहीं फॉर्मेट कैसे करना हार्ड ड्राइव को, इसके लिए आपको क्या करना होगा, लगातार वीडियो देखते रहें तभी आपको समझ लगेगी अच्छे से, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे कोई ना कोई। जी मेरा दोबारा रिस्टार्ट हो चुका था, इसलिए दोबारा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। कंटिन्यू करने के बाद जहाँ से हमने हार्ड ड्राइव को फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करने के लिए हमें इसको एक बार सभी को क्विट कर देना है। क्विट करते ही ये देखिए आपको नीचे डिस्क यूटिलिटी आ गई है। इसके बाद आपने इसमें सेलेक्ट करके हार्ड ड्राइव को एक बार फॉर्मेट कर देना है। ध्यान से देख लो कि कौन सा फॉर्मेट मैं फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। जो इस पे आपने APFS जो फॉर्मेट है उस सिंगल उस पे ही करना है फॉर्मेट आपने, नहीं तो आपके इंस्टॉलेशन की नहीं तो आपके इंस्टॉलेशन की दिक्कत आएगी, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपने APFS पे ही फॉर्मेट करना है। इसको फॉर्मेट करने के बाद आपकी कंटिन्यू दबाना है आपने। मेरी फॉर्मूला हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि
उसके बाद अपने इंग्लिश अपना जो भी आपकी भाषा है वो सिलेक्ट करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये मेरी इंस्टॉलेशन हो चुकी है।